वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग मास से मोल निकालना सीखेंगे। लेट्स से अपने पास आयरन है। क्या है? आयरन। बोला है मास ऑफ दिस आयरन इज 560 ग्राम। क्वेश्चन पूछ रहा है मोल्स ऑफ आयरन कितने हैं, मोल ऑफ आयरन एटम कितने हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेंगे। हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन यूज करना होगा, वो इंफॉर्मेशन होगा एटॉमिक मास का। पीरियोडिक टेबल से आप एटॉमिक मास देख सकते हैं, वरना जिस जब भी ये क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आयरन का एटॉमिक मास पहले से दिया रहेगा। बट कॉमन एटम्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का अगर पूछेगा तो नहीं दिया रहेगा। कॉमन एटम के एटॉमिक मास आपको याद रखने होंगे। तो आयरन का एटॉमिक मास दिया रहेगा, तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 होता है। तो हम लोग को पता है एक मोल का मास कितना होगा, 56 ग्राम। सो वन मोल ऑफ आयरन कितना, 56 ग्राम। देखो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 56 ग्राम आयरन के अंदर वन मोल होगा, वन मोल एटम होगा। और मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम आयरन के अंदर 1/56 मोल आयरन एटम होगा। मुझे निकालना कितने में, 560 में निकालना है। 560 ग्राम आयरन में कितना होगा, 560 × 1/56 मोल आयरन एटम। सॉल्व करेंगे आएगा 10 मोल Fe एटम। समझ में आया, सिंपल है, बताए थे ना स्टार्टिंग में ही। अगर आपको ये मेथड पता है तो मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो हर बार इतना डिटेल में करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाएगा, तो आप सिंपली कर सकते हैं। देखो कैसे, लेट्स से ये 560 की जगह एक्स देता, एक्स ग्राम दिया रहता, और एटॉमिक मास की जगह आपको एम दिया रहता, तो कैसे करते? ये अपना एक कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट का मास कितना दिया है, एक्स ग्राम। इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, एम दिया हुआ है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, इसी तरीकों को अप्लाई करेंगे। कैसे, एम इसका यूज करेंगे, एम ग्राम मींस वन मोल, वन ग्राम 1/m मोल, एक्स ग्राम x/m मोल। तो क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स x/m। सो आई कैन से नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू x। व्हाट इज x, x वाज द गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय m। व्हाट इज m, m इज द मोलर मास, मोलर मास। हम लोग क्या निकाल रहे, मोल निकाल रहे। अब मोल ऑफ एटम निकाल रहे या मॉलिक्यूल निकाल रहे, इस केस में हम लोग मोल ऑफ एटम निकाल रहे। तो हम लोग मोलर मास, किसका मोलर मास लेंगे, एटम का या मॉलिक्यूल का, मोलर मास ऑफ एटम लेंगे। तो मोलर मास ऑफ एटम,
कि गिवेन मास क्या होगा, गिवेन मास ऑफ मॉलिक्यूल या गिवेन मास ऑफ एटम। देखो गिवेन मास होता है, गिवेन मास एटम का या मॉलिक्यूल का नहीं होता है, गिवेन मास इज सिंपली गिवेन मास ऑफ सैंपल। ठीक है, चेंज यहां होगा ये वही रहेगा, आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवेन मास बाय मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास, इस केस में कितना था 560 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एटम कितना 56 ग्राम, 56 क्या आया 10 मोल आया ना, समझ में आया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इज गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, थैंक यू।